Hello friends, welcome to the LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss about how to eliminate the left recursion problem which occurs in recursive descent parser, which is one of the type of top-down parsing. यानी top-down parsing का एक जो subtype है वो क्या होता है? Recursive descent parser. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का एक डिसएडवांटेज है, जब भी हम पार्सिंग करते हैं उसमें क्या होती है, दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम होती है लेफ्ट रिकर्जन की. ये लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम क्या है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में और किस तरीके से उसको दूर किया जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज लेफ्ट रिकर्जन एंड इट्स एलिमिनेशन. तो लेफ्ट रिकर्जन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट रिकर्जन को पहचानते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई कि किसी भी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है. तो उसकी पहचान का तरीका क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंबल है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको वेरिएबल या नॉन टर्मिनल दे रखा है और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शन दे रखा है, उसका पहला सिंबल ही यानी कि लेफ्ट वाला सिंबल ही दोनों सेम है, यानी लेफ्ट हैंड जो आपकी ग्रामर आपको दे रखी है उसका ये वाला पार्ट और उसका ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों सेम हैं इसका मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्जन है. जैसे ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा, जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा और बीटा दे आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल इंक्लूडिंग नल. तो अल्फा बीटा तो कुछ भी हो सकते हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है. अल्फा बीटा आपके नल भी हो सकते हैं, टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, टर्मिनल नॉन टर्मिनल का. लेकिन अगर ये वाला सिंबल जो ग्रामर के लेफ्ट में दे रखा है और जो ग्रामर के राइट साइड में दे रखा है उसका पहला सिंबल, अगर ये दोनों सेम हैं इसका मतलब ग्रामर में आपके क्या है, लेफ्ट रिकर्जन है. जैसे मैं अगर ये ग्रामर लेता हूँ ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी, इसमें आप देखिए ये वाला सिंबल और राइट हैंड साइड में जो पहला सिंबल है ये दोनों क्या है, हमारे सेम है, इसका मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्जन है. बाद में चाहे कुछ भी हो, ये पूरा का पूरा कार्ट क्या है, अल्फा है, दूसरा प्रोडक्शन क्या है, टी है, यानी बीटा कुछ भी हो सकता है. तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, अगर कोई फॉर्म ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा की फॉर्म बन रही है इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन है. जैसे ये रखा है टी टेंस टू टी स्टार एफ स्लैश एफ, इसमें देखिए ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, दोनों सिंबल हमारे आपके क्या हैं, सेम हैं, ठीक है. अगर ये दोनों सिंबल सेम है इसका मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, कोई भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है. इस वाले प्रोडक्शन को देखिए, इसमें सेम नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ पर नहीं है पहला सिंबल, इसका मतलब इसमें ना तो यहाँ लेफ्ट रिकर्जन है ना ही यहाँ लेफ्ट रिकर्जन है, तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है. तो जिस प्रोडक्शन में हमें लेफ्ट रिकर्जन दे रखा होगा उसी को सिर्फ हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन में क्या हो रहा है कि ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा की फॉर्म हमारी क्या मानी जाती है, लेफ्ट रिकर्जन मानी जाती है. क्यों, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने पहचान तो कर ली, वो ये ग्रामर है तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, ये ग्रामर है इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, हमें क्यों हटाते हैं इसको हम. उसके पीछे रीज़न ये है कि ए टेंस टू ए अल्फा दे रखा है, जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप ए टेंस टू ए अल्फा है, ए की वैल्यू फिर से क्या रख दें, आप ए अल्फा रख दें, तो ए अल्फा अल्फा हो गया, फिर से ए की वैल्यू आप क्या रख दें, फिर से ए अल्फा रख दें, तो ए अल्फा 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 हो गया, फिर से ए की वैल्यू क्या रख दें, ए अल्फा रख दें, तो ऐसे क्या होगा, ए अल्फा 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 में एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रिंग ड्राइव नहीं होगी और हमारा सिस्टम किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, कोई भी स्ट्रिंग हमें मिलेगी नहीं इस केस में. तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो पार्सिंग के टाइम पर, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या है, अब ये तो हमने देख लिया भाई इस टाइप से प्रोडक्शन दे रखा है तो ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा अगर दे रखा है आपको, तो हम क्या करेंगे, आंसर में जो सॉल्यूशन होगा ए एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ये बीटा सिंबल पहले आएगा. आंसर क्या है, ए टेंस टू ए एज इट इज आएगा, ये जो स्लैश के बाद वैल्यू दे रखी है ये पहले आएगी, और अगर यहाँ पर ए दे रखा है तो एक नया वेरिएबल लेंगे ए डैश,
यानी सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं हम, ए टेंस टू बीटा, बीटा क्या है जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो वाला पूरा पार्ट, और ए डैश, अगर यहाँ ए डैश है तो यहाँ ए डैश ले लेंगे, जैसे अगर यहाँ ई है, यहाँ ई है, जब इसको रिमूव करेंगे तो क्या ले लेंगे, ई के साथ ई डैश ले लेंगे। तो एक तो ये हो गया ए टेंस टू, हमने क्या लिख लिया बीटा ए डैश। अब ये ए डैश क्या है इसके बारे में लिखना है, ए डैश क्या होगा अल्फा, यानी ये जो ए के बाद वैल्यू दे रखी है ये आएगी अल्फा, और जो यहाँ वेरिएबल दे रखा है फिर से यही आएगा, ठीक है। ए डैश क्या लिख रहे हैं हम, अल्फा, यानी कि ए के बाद जो भी कुछ दे रखा है वो सारा का सारा अल्फा, और अगर यहाँ ए डैश है तो यहाँ भी ए डैश, और स्लैश ऑलवेज क्या आएगा एप्सिलॉन आएगा, यानी ये लिखने के बाद हमेशा क्या करेंगे एप्सिलॉन लिखेंगे, इससे आपको एलिमिनेट हो जाएगा क्या लेफ्ट रिकर्जन। अब ये तो हुआ कि सिर्फ एक वेरिएबल है, अगर भाई सिर्फ ए टेंस टू ए अल्फा और स्लैश बीटा है, लेकिन जरूरी तो नहीं, प्रोडक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका जनरल फॉर्म क्या है कि अगर कोई प्रोडक्शन ऐसा दे रखा है ए टेंस टू ए अल्फा वन स्लैश ए अल्फा टू स्लैश ए अल्फा थ्री ए अल्फा फोर, यानी जिनके स्टार्टिंग में क्या है सबके स्टार्टिंग में ए आ रहा है, यानी कि यहाँ भी ए यहाँ भी ए, कोई जरूरी थोड़ी एक ही हो, कई सारे हो सकते हैं। ऐसी बीटा जरूरी नहीं कि खाली बीटा एक हो, बीटा क्या है वो सारे प्रोडक्शन जो ए से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री कितने भी दे रखे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या कहेगा, क्या ए टेंस टू हमने क्या बताया था बीटा ए डैश। अब बीटा तो कई सारे हैं तो हम क्या लिखेंगे बीटा वन ए डैश बीटा टू ए डैश बीटा थ्री ए डैश, जितने भी बीटा दे रखे हैं सबके लिए क्या लिख लेंगे ए डैश लिख लेंगे, और साथ में फिर हमें क्या निकालना है सेकेंड ए डैश ए डैश ए डैश क्या होगा, हमने यहाँ क्या लिखा था अल्फा जो ये था और ए डैश जो यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तो कई सारे अल्फा हैं तो हम क्या लिखेंगे अल्फा वन डैश ए डैश अल्फा वन ए डैश अल्फा टू ए डैश, जितने भी अल्फा हैं सबके लिए ए डैश करेंगे, अल्फा वन ए डैश अल्फा टू ए डैश अल्फा थ्री ए डैश, और सबको लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, हम लोग कहते लास्ट में क्या आएगा एप्सिलॉन। तो जितने भी बीटा हैं ये जितने भी अल्फा हैं सबके लिए लिखा जाएगा, ये जनरल रूल है। अब आपको एक प्रॉब्लम बताए थे, आपको ये मान ली प्रॉब्लम दे रखी है और आपसे कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट करिए, तो सबसे पहले तो हमने पहचान लिया कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन है ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी, ई टेंस टू टी वो प्रोडक्शन है बीटा वाला, यानी कि जो किससे स्टार्ट नहीं हो रहा है ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ई टेंस टू ई प्लस टी कौन सा प्रोडक्शन है लेफ्ट रिकर्जन वाला पार्ट है, ए यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, तो ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा के साथ, तो ए टेंस टू ए और इसके बाद जो भी कुछ है वो अल्फा और स्लैश जो प्रोडक्शन किससे स्टार्ट नहीं हो रहे ई से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो सारे किस में आएंगे बीटा में आएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बताया था ए टेंस टू बीटा ए डैश, यानी ए की जगह क्या ई टेंस टू बीटा, बीटा क्या है टी, देखो बीटा टी है और यहाँ पर क्या लिखा था ए था तो ए डैश था, तो यहाँ पर ई लिखा है तो क्या आ गया ई डैश आ गया, तो पहले लाइन तो ये आ गया भाई ई टेंस टू बीटा और ए डैश मतलब अगर ई है तो ई डैश आ गया। दूसरा क्या कहता है ए डैश टेंस टू अल्फा ए डैश, यानी ई डैश ए डैश है ना, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा ई डैश टेंस टू क्या कहता है अल्फा, अल्फा क्या है हमारा प्लस टी प्लस टी, और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया, और स्लैश क्या कर दिया एफ से, ठीक है। एक और समझ लीजिए, देखिए किस तरीके से होगा टी टेंस टू टी स्टार एफ स्लैश एफ, कंपेयर करिए ए टेंस टू ए अल्फा स्लैश बीटा क्या आएगा टी टेंस टू बीटा, बीटा यानी कि एफ और यहाँ टी है तो यहाँ टी डैश आ गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा फिर टी डैश, ये वाला जो दे रखा है यहाँ पे टेंस टू अल्फा, अल्फा क्या है स्टार एफ, ठीक है, और जो यहाँ दे रखा है वो यहाँ आ गया और स्लैश क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्जन हट गया इस रूल को यूज करके, ये वाला प्रोडक्शन आता है, क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन है कहीं पर भी, नहीं है, तो इसको एज इट इज आपके आंसर में आ जाएगा। तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन था ये हटा दिया, इसमें लेफ्ट रिकर्जन था ये हटा दिया, ये आपका एज इट इज आ गया, सो इट विल गिव टू द होल सॉल्यूशन कि किस तरीके से लेफ्ट रिकर्जन को एलिमिनेट करते हैं। अगर सिर्फ एक ही स्लैश करके प्रोडक्शन दे रखा है तो सिंपल इससे निकल आएगा, और अगर कई सारे प्रोडक्शन दे रखे हैं तो इससे आपका निकल आएगा। आई होप
This concept of left recursion is clear to you? If you have any doubt, you can ask in the comment section.